हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस। दोस्तों, अगर आपका चैनल रिजेक्ट हो गया है, किसकी वजह से? रीयूज कंटेंट की वजह से। तो गाइस, यह वीडियो में दो पॉइंट बताऊंगी। फर्स्ट पॉइंट, आपको रीयूज कंटेंट आता क्यों है, और सेकंड पॉइंट, आपको उसको दूर कैसे करना है या उसका सलूशन क्या है। तो आप अगर यूट्यूब में पैसा कमाना चाहते हैं तो रीयूज कंटेंट को रिमूव करना भी सीखना होगा। तो मैंने इस वीडियो में आपको दोनों पॉइंट क्लियर बताऊंगी। तो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम अगर कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आप सोचते हो कि अब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो गाइस, आप अपने माइंड से ये गलत फहमी निकाल देना कि मेरा चैनल अब मोनेटाइज हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाता है, इसके कई कारण हैं ऐसे जहां पर आपको यूट्यूब आपके चैनल पर रीयूज कंटेंट दे देता है। हाँ, अगर आपका खुद का चैनल है और आपका खुद का वैल्यूएबल कंटेंट है, आपकी खुद की वॉइस है, आपका खुद का चैनल है, तो आप उसमें उस कंडीशन में यूट्यूब आपके चैनल को मोनेटाइज करता है। और अगर आपने कहीं से कुछ भी क्लिप, कहीं से कुछ कंटेंट, कहीं से कुछ म्यूज़िक, कहीं से कुछ वीडियो ली हुई है और आपने अपना उसके अंदर कुछ भी इफेक्ट नहीं डाला है, तो यूट्यूब आप मान के रखिए कि आपके चैनल पर रीयूज कंटेंट जरूर दे देगा। और अभी इस समय पर यूट्यूब ने तो नया अपडेट दिया हुआ है यूट्यूब पॉलिसी का, रीयूज कंटेंट का। तो बहुत ही सतर्क हो जाएं, बहुत ही सावधानी से अपने चैनल पर अपना खुद का फेस दिखाकर, अपनी खुद की वॉइस डालकर अपना खुद का कंटेंट क्रिएट करेंगे तो आप ज़रूर फतेह करेंगे। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके चैनल पर रीयूज कंटेंट आता है तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, किस तरीके से अपने चैनल को सेव कर सकते हैं, किस तरीके से अपने चैनल पर से रीयूज कंटेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं और सीखते हैं कि हम रीयूज कंटेंट को किस तरीके से रिमूव करेंगे। हाँ गाइज, वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। 1000 लाइक का मैंने कुछ आंकड़ा रखा है। आप लोगों से गुजारिश है, जिस तरीके से आप लोगों ने मेरा अभी तक साथ दिया है, उसी प्रकार से मुझे आगे भी ले जाएंगे और मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उससे आपके पास आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि रीयूज कंटेंट को कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। गाइस, आप अपने चैनल पर किसी दूसरे का वीडियो यूज़ करते हैं तो आपके चैनल पर रीयूज की कंटेंट की प्रॉब्लम आती है। उस अपने चैनल से रीयूज कंटेंट को नहीं हटाते जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता। तो आज की वीडियो में गाइस, मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके चैनल पर रीयूज कंटेंट आ गया है तो आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं और कैसे उसे हटा सकते हैं। सारा सभी कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। तो दोस्तों, YouTube पॉलिसी के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आपको इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा जहाँ से आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, रीयूज कंटेंट में क्या है कि अगर आप किसी दूसरे का कंटेंट यूज़ करते हो या किसी दूसरे की वीडियो का म्यूज़िक या क्लिप यूज़ करते हो और उसमें अपनी वैल्यू ज़रा भी ऐड नहीं करते हो तो आपके चैनल पर रीयूज कंटेंट यूट्यूब लगा देता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि जब तक अपने आप चैनल से रीयूज कंटेंट को नहीं रिमूव कर देते थे, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं किया जा सकता। तो आपको सबसे पहले अपने चैनल से रीयूज कंटेंट को हटाना है। तो अब वो कैसे हटाया जाएगा, मैं आपको यही स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। अब सबसे पहले आपको अपने चैनल की सभी वीडियो को चेक करना है और आपको ये देखना है कि आपने किस वीडियो में अपना जो है किसी का क्लिप या किसी की वीडियो या किसी का कंटेंट यूज़ किया है और आपने उसमें अपनी कोई भी वैल्यू, कोई भी कंटेंट या अपना कोई भी फेस मैक कैम्प कुछ भी नहीं किया है, तो वहाँ पर आपको वह वीडियो को अपने चैनल से डिलीट ही करना पड़ेगा।
अगर आपके अपने चैनल को रीयूज कंटेंट से बचाना है तो सबसे पहले आपको अपनी कोई भी, अगर आपने किसी का भी कंटेंट लिया है तो आपको वहाँ पर अपना कुछ इफेक्ट जरूर डालना होता है। अपनी वॉइस डालिए, अपना फेस डालिए, अपना कुछ भी डालिए, कंटेंट डालिए, तो वहाँ पर आपका रीयूज कंटेंट नहीं आता। और हाँ दोस्तों, आप अपनी सारी वीडियो को चेक करते जाएं, जिससे पता करें कि हमारा किसी में भी कोई रीयूज़ तो नहीं है। अगर वो रीयूज़ आपको मिलता है तो आप उसको वहाँ से वीडियो को डिलीट करें। लेकिन आपको डिलीट करते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपने जब चैनल मोनेटाइज के लिए लगाया है तो 30 दिन के बाद ही आप उस पर अपने चैनल की वीडियो को डिलीट। और हाँ दोस्तों, अगर आप टाइम से पहले अपनी वीडियो को वहाँ से डिलीट कर देते हैं तो आपकी उस वीडियो की जितनी भी रीच जहाँ जहाँ फैली होगी, जहाँ जहाँ तक वो आपकी वीडियो पहुँच गई होगी, वहाँ से आपके वीडियो की रीच सब खत्म हो जाएगी, चैनल आपका डाउन हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि अपने टाइम पीरियड के अंदर ही आप उस वीडियो को डिलीट करें वहाँ से, और उसके बाद ही अपने चैनल पर दोबारा से मोनेटाइज करने की अपील करें या फिर रीअप्लाई करें। बस तो गाइस, ये था रीयूज कंटेंट को रिमूव करने का तरीका जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।